केरल दर्शन के पांचवें दिन आज हम रुकेंगे कोचिन के पास एक शानदार होम स्टे में, स्वाद लेंगे केरला के पारंपरिक भोजन का और करेंगे यहाँ के मशहूर बैक वाटर्स की सैर। गड़ीवास में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल हम लोग जिस होम स्टे में आए थे, कल तो अंधेरे में आए थे, लेकिन आज आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। ये है होम स्टे का नज़ारा सवेरे सवेरे। क्या नाम है मम्मी जगह का? कुमलंगी। तो ये जो जगह है इसका नाम है कुमलंगी विलेज। ये कोचिन से ज्यादा नहीं है, आई थिंक 10 किलोमीटर सर फ्रॉम कोचिन, 15 किलोमीटर। इस जगह की खासियत यह है कि कोचिन बहुत क्राउडेड है, ये थोड़ा सा आउटर में है और यहाँ पे पीछे बिल्कुल बैक वाटर्स हैं, पास में एक सुंदर सा चर्च है, तो थोड़ी सी शांत और बड़ी पीसफुल सी जगह है। ये है गार्डन सर, फर्स्ट मॉडर्न टूरिज्म विलेज इन इंडिया एंड द कुमलंगी दिस 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मेन टाउन, इज अवे फ्रॉम द क्राउड सिटी एंड वेरी पीसफुल एंड वेरी इज अ बैक वाटर विलेज, लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन हियर। तो इनका नाम है गॉडसन जोसेफ सर, 24 साल का इनका एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी में। तो यहाँ पे इन्हें अपने घर में बढ़िया सुंदर सा होम स्टे बना लिया है। आज हम यहाँ पे प्योर साउथ इंडियन डिश खाने वाले हैं और वो भी केरल का। केरल, तमिलनाडु, अलग अलग होता है सबका यहाँ पे। हम तो सोचते थे साउथ इंडियन सब एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हम केरल का स्पेशल डिश खाएंगे। Actually, this is for the stew. आज अप्पम बनने वाला है और अप्पम के लिए ये बैटर तैयार है। ये है कोकोनट और राइस पाउडर, कोकोनट एंड राइस पाउडर, कोकोनट एंड राइस पाउडर। सम साल्ट, शुगर, एड दिस सोरेंट, मिक्स वेल, देन आफ्टर स्टाइल अलग है। ओके, अपम रेडी, बन गया अपम। बन गया अपम। तो अपम तो हमारा बन गया। अब अगला आइटम है सर, व्हाट इज इट? वेजिटेबल स्टू। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन दैट? बॉइल्ड वेजिटेबल, कैरेट, पोटैटो, ग्रीन पीस एंड बीन। और ये सारी चीजें, काजू, किशमिश, ओनियन, प्याज, गार्लिक, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता। देन फर्स्ट कुक सम घी। ये ड्राई फ्रूट काजू किशमिश मैंने पहली बार सूप में डालते देखे। टेस्टी मेकर, वो तो बनाने के उस मेथड से देख के ही लग रहा है कि टेस्टी होगा। देन मिक्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, जिंजर, फर्स्ट वी कैन पुट इट इन जिंजर एंड गार्लिक, देन ऑनियन। अच्छे से देख लो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए घर जाके। ऐसे तुम घुमाते जाओगे और घर जाके हम तो क्या क्या बनवाते जाओगे। अब इसको छौंक लगाएंगे, घी डाला, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस, सब तबीयत से डाला। कॉर्नफ्लोर, that's okay. It because otherwise it will be loose. Yeah, then add second coconut milk. Coconut milk is add vegetables. The first milk, second milk and third milk. The first, what is the difference between the difference milk? Means it's harder, very harder. पहले जो मिल्क बनाया था उसमें थोड़ा पानी मिला हुआ था, अब आखिरी में जो इसमें दूध डाल रहे हैं वो थोड़ा गाढ़ा है। अब ये तैयार हो गया अपना वेजिटेबल स्टू और मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब देखते हैं खाके कैसा लग रहा है, अच्छा ही लगेगा वो तो। तो यहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया बनाया है, यहाँ बैठ के हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। आप लोग पूछते हैं कि कैसे आप इतनी मेहनत कर लेती हो, ऐसी ऐसा है घूमने रहते हो। जो अलग अलग चीजें टेस्ट करने मिलती है ना, असल मजा उसी में, और बनाना भी नहीं पड़ता, बनाना भी टेस्ट करने मिलती है। तो इन्होंने ये जो वेजिटेबल स्टू बनाया था, और ये है अपम, और ये इन्होंने एक बनाना यहाँ पे बहुत फेमस है, बनाना फ्राई भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खाते हैं। ये तो खैर सादा बनाना है जो यहाँ पे सर्व करने का ट्रेडिशन है। तो जैसे हम दाल रोटी खाते हैं, वैसे यहाँ पे ये वेजिटेबल स्टू और अपम को खाया जाता है। ये अपम है एकदम वेरी सॉफ्ट, रूई जैसा सॉफ्ट। ये इसको डाला और इसमें कोकोनट वाटर का टेस्ट और कितना सारा सामान डाला, उस ये अपना को ड्राई फ्रूट और सब वेजिटेबल्स,
धनिया पुदीना मतलब सबका एक डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। हमने दोनों अलग अलग बनते हुए देखा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये बिल्कुल इसके साथ मिला के खाते हैं, मेरे को लगा अलग अलग है, तो इसके लिए मैं ऐसे बाउल मांग के लिए आया। नारियल का दूध, काजू, किशमिश, जो भी चीज़ें डली हैं सबका बेहतरीन इसमें फ्लेवर आ रहा है। और इस अप्पम की खासियत तो ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसकी जो सॉफ्टनेस है आप मुंह में जैसे ही लेते हो एकदम वो घुल जाता है आपके मुंह में। रूम वैसे मैं आपको कल दिखा चुका हूँ, अभी आपको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि पूरा सामान बिखेर दिया है। ये सारा बिस्तर हमने बिगाड़ दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया, दो लाइट, एसी, टीवी, ऑफिस टेबल सब कुछ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया जगह है। और ये इधर है इनका वॉशरूम, एकदम नीट एंड क्लीन, स्पॉटलेस है। यहाँ पे दिन में तो उमस रहती है लेकिन रात को अच्छा ठंडा हो गया था। तो शानदार शानदार नाश्ते के बाद अब बारी है खाने की। आज हम लोग का आराम से रेस्ट डे है, बैठ के आराम से यहाँ पे हम लोग केरली फूड का मजा लेने वाले हैं, उसके बाद शाम को थोड़ा बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। मम्मी तो बिल्कुल डांस कर रही हैं। मम्मी सामने लग गया ये केले का पत्ता, अब इसमें होगा खाना। केले के पत्ते का भी स्टाइल होता है रखने का, की राइट साइड चौड़ी वाली साइड और इधर आपका जो राइट हैंड होता है उस साइड केले के पत्ते का चौड़ा वाला पार्ट रखा जाता है। लग गई है मेरी और मम्मी की थाली। मम्मी देख के ना मुँह में पानी आ रहा है। होम स्टेज में रहने का यही फायदा होता है, हम एकदम आराम से बैठ के, आसपास कोई कस्टमर नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, आराम से बैठ के एक एक करके खाएंगे। उनसे बात करते रहते हैं, उनसे क्या पूछते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो एकदम होमली फील होता है, तो अच्छा लगता है। सब चीजें सर्व हो गई हैं, अब ऐसा करते हैं मम्मी एक एक करके, एक चीज आप खाओ एक चीज मैं खाता हूँ। ये है केला राइस और इसके साथ ये है कड़ी, ये विदाउट बेसन की कड़ी है, इसमें केला, कोकोनट और दही, और इसमें जब ये पापड़ ऐसे करके मिला देते हैं फिर इसको खाते हैं। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम बताया गया है अवियल, इसको भी ज़रा अपन चावल में मिलाएं। इसमें प्याज और दही ऐसी सब्जियां डली हुई हैं तो उस सब का पूरा कम्बाइंड इसमें टेस्ट आ रहा है। ये है पचड़ी, इसको भी बढ़िया मिला के खा के देखते हैं क्या है। सरसों का एकदम बहुत तीखा टेस्ट है और दही, ये तो है सीधा कैबेज, अपनी पत्ता गोभी नॉर्मल तरीके से फ्राई की गई है जैसे अपन करते हैं, लेकिन कटा बहुत बारीक है और उनने जिस तरीके से फ्राई किया उसमें थोड़ा कुरकुरापन है। ये है वैरायटी ऑफ बीन्स, उसको मोल मोल कुछ बोल रहे हैं। नारियल तेल का टेस्ट इसमें खाने में एक डिफरेंट टेस्ट दे रहा है। उनने जिस तरीके से फ्राई किया उसमें थोड़ा कुरकुरापन है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि यहाँ पे नमक सर्व नहीं किया जाता, पिकल अचार सर्व किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं अचार, अगर आपको नमक कम लग रहा है इसको बढ़िया इसमें ऐसे मिलाइए और बढ़िया मस्त खाइए। फिर ये है केले के चिप्स और फिर ये है मीठे की जगह गुड़। ये जो इसका गुड़ है ये थोड़ा अलग टाइप का है, अपना गुड़ थोड़ा सॉफ्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कुरकुरा है। मम्मी खा के दिखाओ तो कैसा है, थोड़ा कड़क। हम सबका अपना अपना स्वाद रहता है, अपना अपना एक टेस्ट होता है जो हमारे जीव में रहता है, सबको एक ही तरह का खाना पसंद नहीं आता। तो कई बार जब आप एक ही चीज़ मंगाते हो अगर वो आपको पसंद नहीं आती तो आपका मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन जब इस तरह की थाली आती है तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8-9 चीज़ें हैं, आपको इसमें से 2 या 3 ज़रूर पसंद आएंगी। जैसे मेरे को 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हैं, ये है पचड़ी और ये, इसको तो मैं कड़ी ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं कड़ी जैसा दिख रहा है, तो मेरे को ये पचड़ी और ये कड़ी बहुत पसंद आई है तो मैं इससे मिला मिला के खा रहा हूँ। और मम्मी को क्या पसंद आया? मेरे को ये पचड़ी और ये कैबेज विद कोकोनट। हाँ, पत्ते पे खाना सर्व करने से देने से खाने से टेस्ट ट्रिपल हो गया, एकदम साउथ स्टाइल में आ गए हैं, बढ़िया अपना हाथ से डुबो डुबो खाना, इसका आनंद ही अलग है। तो एक हाथ से मैं खाना खा रहा हूँ और एक हाथ से बढ़िया फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब थोड़ा इसको आराम से बैठ के जी भर के खाएंगे।
तो हम लोग आ गए उस जगह पे जिसको कहते हैं बैक वाटर्स। तो सामने आप देख रहे हैं एक्चुअली ये जो पूरी जगह है, ये जो पूरा गांव है, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ ये बैक वाटर्स ही हैं और उसके बीच में एक तरीके का ये आइलैंड है। एक्चुअली दिस वाटर इज कनेक्टेड टू द वेम्बनाड लेक, द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ओके। एंड अदर थिंग इज इट इज कनेक्टेड टू द सी एज वेल। ओके। एंड इट इज एक्चुअली द नाउडेज वाटर इज नॉट वेरी फ्रेश वन, दैट्स व्हाई द फ्लोटिंग प्लांट्स आर समथिंग लाइक फ्लोटिंग नाउ एंड विल बी नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स वाटर बिकम सॉल्टी एंड दैट टाइम द फ्लोटिंग प्लांट्स एवरीथिंग विल कमिंग डाउन। या तो गार्टन सर ने हमारे लिए इस बोट का इंतजाम किया है जो हमें सनसेट पॉइंट तक ले जाएगी। ये है जो, ये गॉडसन साहब के बेटे हैं और जो और गॉडसन सर और पीछे एक और, ये सब मिलके चप्पू चला रहे हैं इसको। तो मैं भी थोड़ी देर में इसका इंटरेस्ट लूंगा। एंड जो इज गोइंग टू कनाडा ना? या कनाडा फॉर व्हाट? फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ओके, 3 इयर्स कोर्स ना? या 2 इयर कोर्स। 2 इयर कोर्स होटल मैनेजमेंट। या देन यू विल कम बैक हियर और सेटल देयर? It's not that, not decided. Decided, yeah. Parents are here, no? तो ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये चीज यहाँ पे बड़ा अटेंशन अट्रैक्ट करती है, ये है चाइनीज फिशिंग नेट। ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं ये सर बताएंगे। नेट बहुत चौड़ा होता है, उसको डुबा देते हैं और उसको निकालते Sir. See, this actually lot of traders came in Kochi. Yes. Part of that one, that the Chinese traders came and built the this type of concept of fishing, catching fish. Okay. This is called Chinese trading, Chinese fishing net, and it is operating in this area. Actually, it is operating in the night time around 6:30 in the evening, okay. And the next day morning till 6 o'clock. That means in the darkness operation. So advantage actually, of this is it's a permanent structure. You permanent just have to structure. Lower it down yeah, and yeah, bring sure, it up. Sure, sure, sure. यहाँ पे ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है, इसको अगर आप बड़ा करेंगे तो आपको एक रोड दिख रही होगी। ये ब्रिज, इसी के नीचे से हम लोग जा रहे हैं। ये अपन ने पुल जो पार कर रहे हैं ना, इसमें दिख रहा है। मैं इसलिए कहता हूँ जीपीएस सीख लो, बहुत काम की चीज़ है। मैं सीख के क्या करूँगी, फिर तू ढोलक बजाएगा क्या? तो हम लोग पहुंच गए हैं। एक्चुअली ये जो पॉइंट है, ये है सनसेट पॉइंट। तो जैसे ही हम उस ब्रिज को पार करके इधर आते हैं, यहाँ पे सनसेट का खूबसूरत व्यू दिखता है। इधर दिख रही हूँ मैं। तो अभी मैं असेंबल कर रहा हूँ अपना ड्रोन। तो पानी के बीच से मैंने कभी ड्रोन उड़ाया नहीं है, तो कभी कभी थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन आज यहाँ पे शॉट इतना अच्छा आएगा कि लग रहा है कि एक बार उड़ा के देख ही लूँ। गिरा तो आपके से, उड़ा तो मेरे से। उड़ गया। मिशन अकम्प्लिश्ड, ड्रोन सक्सेसफुली नीचे आ गया। वापस आ गए हैं अपने होम स्टे। आज का दिन बहुत शानदार रहा। आज हम लोग पूरी तरीके से केरल के एकदम रंग में रंग गए हैं। इस तरह से रंग गए हम कि आज हमने चम्मच को हाथ ही नहीं लगाया, सब खाना हाथ से खाया। तो ये जो होम स्टे है जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसमें वैसे 2 कमरे हैं। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पूरे अपने चार्जेस पे किए हैं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आपको याद होगा कि मैं एक बार कहाँ रुके थे मम्मी, कौन सा होमस्टे था, राजस्थान गए थे तो कौन सी जगह में? बीकानेर। हाँ, तो हम लोग एक बार बीकानेर के होमस्टे में रुके थे और मैंने तब कहा था कि होमस्टे इतना बढ़िया, एकदम स्पॉटलेस। तो ये होमस्टे भी बिल्कुल वैसा है, बेहतरीन रूम है, बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल रूम है और बहुत ही नॉमिनल रेट्स में। इनके पास 2 रूम्स है। ये जो रूम है, ये इनका बड़ा रूम है। इस रूम के जो चार्जेस है वो है 1800 और उसमें साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। ब्रेकफास्ट में आप कोई एक डिश आप जो बोलेंगे आप, हम या फिर जो भी अवेलेबिलिटी रहती है उस हिसाब से वो खाना बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा कमरा है, ये है दूसरा कमरा। ये कमरा साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, फैसिलिटीज़ पूरी हैं, ऊपर एसी लगा हुआ है,
बढ़िया बेड है, टेबल है, सब दिया हुआ है, अच्छी अलमारी है, दो खिड़कियां हैं, हल्का सा छोटा है, तो इसका जो प्राइस है वो है 1400। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये नवंबर 2022 के बता रहा हूँ, अगर 2024 में कोई ये वीडियो देख रहा है तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि सेम रेट्स मिल जाएंगे, जस्ट आपको अंदाजा हो जाए मैं इसलिए बता रहा हूँ। और सीजन के टाइम में, क्रिसमस के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में थोड़े से रेट्स हाई हो जाते हैं, तो अगर आप कोचीन आए तो इस होम स्टे में तो बिल्कुल 100% ज़रूर रख लीजिए। जो फैमिली इसको मैनेज करती है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, बहुत प्यार से आपको अटेंड करते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में ये एकदम रिलैक्स है। कल हम लोग थोड़ा बहुत कोचीन एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद कोचीन से आगे बढ़ेंगे। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक करिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और मस्त रहते रहते वीडियो पे कमेंट देना ना भूलिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।